नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरके टेक्निकल ट्यूटोरियल्स में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने पैन कार्ड में जो डिजिटल सिग्नेचर होता है या फिर जो क्वेश्चन मार्क का साइन आता है, उसे आप किस तरह से अपने मोबाइल से ही वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पैन कार्ड में जो डिजिटल सिग्नेचर होता है या फिर क्वेश्चन मार्क होता है, उसे आप वेरीफाई करने के लिए आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको सिंपली उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन यदि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो वर्क नहीं करेगा और आप डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको एप्लीकेशन जो है वो लिंक से ही डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको स्क्रीन पर ले जाकर स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ किस तरह से आपको अपने पैन कार्ड में डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई करना है। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको फिर से डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और आप यहां पर देखेंगे हमारा डाउनलोड यहां पर शुरू हो गया है। तो आपको डिटेल्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आपका जो एप्लीकेशन है वो कुछ इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। जब ये एप्लीकेशन यहां पर डाउनलोड हो जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप शो होगा इस तरह से। यहाँ पर आपको सेटिंग वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है और पीछे आना है। जैसे आप पीछे आएंगे यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद अब आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको कट करना है और यहाँ पर आपको राइट साइड में स्लाइड करना है। जैसे स्लाइड करेंगे यहाँ पर आपको स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अलाउ कर देना है। और यहाँ पर आपको अपना PDF जो है वो चूज़ कर लेना है, जिस PDF में आपका जो सिग्नेचर जो है वो वेरीफाई नहीं है। तो चलिए मैं चूज़ कर लेता हूँ। चूज़ करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको वेरीफाई सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको क्रिएट अ न्यू अकाउंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। जो भी आपका ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सेंड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आपके ईमेल आईडी में एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उस कोड को यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद फर्स्ट नेम डालना है, उसके बाद आपको अपना लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों कंपनी नेम डालना है, तो कंपनी नेम में आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद इंडिया जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना है, तो पासवर्ड में आपको नंबर्स, लेटर्स और सिंबल्स का यूज़ करना है, जिससे आपका पासवर्ड जो है वो एक ही बार में क्रिएट हो जाएगा। वही पासवर्ड दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे की साइड में डालना है लास्ट में, और आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्रिएट माई अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और आपका जो अकाउंट है वो यहाँ से क्रिएट हो जाएगा और आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो हमारा अकाउंट यहाँ पर पहले से है, इसलिए मैं यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये वाला इंटरफेस अब आपके मोबाइल में आ जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देना है। तो जो भी आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड है वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए कुछ इस तरह से। जैसे आप डालेंगे अब आपको यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे अब आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब फिर से आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्लिक करना है। वेरीफाई सिग्नेचर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको 7 डे फ्री ट्रायल, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पीछे आना है। जैसे पीछे आएंगे तो आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है वो यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो हम आप यहाँ पर अपने पैन कार्ड में डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जो है वो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगला जो वीडियो है आपको किस टॉपिक पर चाहिए, आप मुझे कॉमेंट कर दीजिए, मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।